What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 21st November 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कुछ बड़े ऐलान किए। प्राइवेटाइजेशन को सहमति मिल चुकी है और कुछ और दो तीन बड़े ऐलान किए टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी। ग्लोबल मार्केट्स में दुनिया की जो दो बड़ी इकोनॉमीज है, यूएस और चाइना, इनके बीच में जो टैरिफ वॉर शुरू हो गया है वो जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका प्रेशर भी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्या निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 20th November आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,972 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,926। तो जैसे कि आप देख रहे, कल निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ और हमारा जो सेकेंड टारगेट था इसी के पास ऑलमोस्ट ये ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर से इसने ऊपर की तरफ एक मूव दिखाया और जो ओपन हुआ था ओपन प्राइजेस के ऊपर जस्ट 30 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखा के एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड होते रहा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि हमारा जो सेकेंड टारगेट था इसी के पास डायरेक्ट एग्जैक्ट ओपन हुआ, तो यहाँ पर कल नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते पहले। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक लाल निशान में बंद हुए, प्रेशर साफ दिखाई दे रहा था टैरिफ वॉर का, और यूरोपियन बाजार भी देखे तो सभी कल लाल निशान में बंद हुए थे। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो यहाँ पर भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। निक्के जापानीज इंडेक्स 267 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, हांगकांग मार्केट 446 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 58 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी यहाँ पर इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो निगेटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन कल हमने देखा था कि निफ्टी के आर्ली चार्ट में यहाँ पर, ये जो निफ्टी इंडेक्स का आर्ली चार्ट है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। इसका नेकलाइन का भी कल ब्रेकआउट मिला, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और ऊपर के लेवल पे एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड करते रहा। तो आज निफ्टी में क्या हो सकता है, वीकली चार्ट को देखते हैं। यह वीकली चार्ट लास्ट टू वीक्स एक कंसोलिडेशन पैटर्न में ये ट्रेड हो रहा था, नीचे 11,872 एज पर वीकली चार्ट जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया, इसके ऊपर आके ये क्लोज हो रहा था। तो दो वीक पहले जिसने यहाँ पर हाई लगाया था 12,034 का, इसी के पास कल भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और जस्ट 12,000 के नीचे आके ये क्लोज हुआ। तो अभी कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है निफ्टी इंडेक्स, तो 12,114 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा एज पर निफ्टी का वीकली चार्ट। ये जो हमने लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ किया इसके हिसाब से ऊपर 12,100 तक हमें निफ्टी में लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर जो है वो एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है, क्योंकि जो ये मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो ट्रेंड है वो एक्सट्रीम बुलिश है, हालांकि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट है वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ सपोर्ट है, इसके मुताबिक ये एक फ्लैट फेज में कुछ हफ्तों से यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में ये जो रेंज क्रिएट हुआ है वो आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है। कल भी यहाँ पर एक दोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ, यानी ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ लेकिन यहाँ पर भी इंडिसिसिव पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ना बुल्स जीत पा रहे थे ना बियर्स जीत पा रहे थे। तो अभी ये जो 12,034 का लेवल है इसके ऊपर अगर चला जाता है तो ऊपर 12,114 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर इसके ऊपर ये चला जाता है तो और भी निफ्टी में ये जो बुलिश रैली है ये और भी हमें एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है। नीचे अभी 11,850 पकड़ लेते हैं, यहाँ पर उसकी नीचे 11,820 के पास 20 EMA का भी ये मूविंग एवरेज आ रहा है। तो अभी सपोर्ट के लेवल्स अराउंड 11,820 टू 850 के पास ये सपोर्ट जोन बना हुआ है,
और ऊपर में अगर ये मूव होता है तो फर्स्ट हर्डल होगा 12,114 का, ये फर्स्ट हर्डल होगा। चलते हैं आर्ली चार्ट पे, 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल यहाँ पर हमने ये ड्रॉ करके दिखाया था कि कैसे यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये यहाँ पर राइट शोल्डर, और इसका ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट भी हमें मिल गया। तो यहाँ पर ये अगर तेजी होती है और इसके बाद कोई करेक्शन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट, ये नेक लाइन का सपोर्ट, ये टेस्ट करने यहाँ आ सकते हैं और फिर हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दिखाए। अगर कल के न्यूज़ के मुताबिक अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो निफ्टी और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये रैली जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पर आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो कल का हाई है इसको कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए। 12,039 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,059, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,073, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो ये जो कल का हैमर कैंडल स्टिक बना हुआ है आर्ली चार्ट में, इसका हाई ब्रेक होने दीजिए 12,010, ये अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये गैप अप और अगर गैप विदाउट गैप ओपन होता है तो ये स्ट्रेटजी है, तो हमारा तभी फर्स्ट टारगेट 12,024 का होगा। ठीक है, गैप अप ओपन होता है तो ऊपर में सस्टेन करने दीजिए 12,039 के ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाए, वरना ये इन लेवल्स को फॉलो करें। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो हैमर कैंडलस्टिक बना हुआ है इसका लो अगर ब्रेक होता है, यानी 11,979 अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,964 और सेकेंड टारगेट होगा 11,945, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इसी यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।